संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज उसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र पर करारा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि बिना तैयारी के जीएसटी लॉन्च करने के लिए पीएम मोदी आधी रात को संसद आते हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पीएम में हिम्मत नहीं है, इसलिए शीतकालीन सत्र नहीं बुला रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उद्घाटन भाषण में पीएम पर हमला बोलते हुए सोनिया ने कहा कि आज संसद की परंपरा पर हमला बोला जा रहा है। संसद सवालों का फोरम है, लेकिन मौजूदा वक्त में संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। भ्रष्टाचार से लेकर डिफेंस डील तक पर सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार इन सब से बचने के लिए सत्र ही नहीं बुला रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में बेवजह का विलंब किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के जीएसटी और नोटबंदी के फैसले का लाभ मुट्ठी भर लोगों को ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठे वादे और गलत तथ्यों को पेश करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के द्वारा पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशाना साधे जाने की भी आलोचना की। सोनिया ने मोदी सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि सुनियोजित तरीके से इतिहास से पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के योगदान को मिटाया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।